Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello students, now we'll talk about the reactivity of metals and non-metals. So, सबसे पहले हम metals की reactivity देखते हैं कि along the period और down the group वो कैसे change होती है. Metals की property क्या होती है कि वो electron को lose करते हैं. अब जब वो electron को lose करेंगे तो वो कुछ reactive भी होंगे. लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एक पीरियड में मूव करते हैं, तो जो ये लूज करने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को, वो डिक्रीज हो जाती है. जैसे ही वो डिक्रीज होती है तो उसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है. इट मींस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आवर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस. सो द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और अगर हम एक ग्रुप की बात करें, ग्रुप में क्या है, डाउन द ग्रुप आप आ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को इजिली लूज कर सकते हो. जब आप इजिली लूज कर सकते हो इलेक्ट्रॉन को, तो आपकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ गई. तो जब व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस. टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस इन अ पीरियड, सो द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. अब अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स होते क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. अलॉन्ग द पीरियड हमारे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ईजिली गेन करते हैं, तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है लेफ्ट टू राइट. सो द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेकिन अगर हम एक ग्रुप की बात करें, टॉप टू बॉटम की बात करें, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली गेन नहीं होते. जैसे ही हम नीचे नीचे मूव होते हैं, हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गेन नहीं कर सकते हैं. जब इजीली गेन नहीं कर सकते तो उसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी. सो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेस. Now next is solubility of alkali metal carbonates and hydrocarbonates, or you can say bicarbonates. इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको carbonates का formula पता होना चाहिए. Carbonates is this and bicarbonate is, जिसमें hydrogen लग जाएगा. अब हमें पता है lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, ये हमारे elements हैं alkali metals के. जब ये carbonate के साथ compound बनाएंगे, तो आप इन्हें अगर वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो वहां आपको क्या पता लगेगा कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो ज्यादा हो जाती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप. ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, हम नीचे आ रहे हैं, हमारे एलिमेंट्स का साइज बढ़ रहा है. लिथियम का साइज सबसे छोटा, सीजियम का साइज सबसे बड़ा, और कार्बोनेट जो है हमारा एनायन, उसका भी साइज बहुत बड़ा है. तो यहाँ पे तो इन्होंने बनाया कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन यहाँ इन्होंने बनाया आयनिक कंपाउंड. ठीक है, और उन्होंने कहां की बात की है, इन वाटर. वाटर कैसा है हमारा, H2O इज अ पोलर कंपाउंड. तो लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ही अच्छे से डिसॉल्व होगा. सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीजेस. ठीक है, नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट. अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल की, जो हमारा सेकेंड ग्रुप है, की बात करें, उसके हाइड्रोक्साइड और सल्फेट्स की बात करें, तो वो कैसे चेंज होती है. सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट्स इन वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सेम इसमें भी ऐसे ही है, मैग्नीशियम जो है, और जो नीचे हमारा एंड में आएगा, वो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्साइड है और ये आपका सल्फेट है, दोनों आपकी लार्ज एनायन है. जैसे जैसे आप नीचे मूव करोगे, यहाँ पे आपको कोवेलेंट कंपाउंड मिलेंगे और यहाँ पे आयनिक कंपाउंड मिलेंगे. और वाटर कैसा है, पोलर, तो लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, इसलिए जैसे जैसे आप मूव करोगे, हमारे हाइड्रोक्साइड और सल्फेट्स की जो सॉल्युबिलिटी है एल्कलाइन अर्थ मेटल की, वो इंक्रीज कर जाएगी. तो क्या देखा हमने, हमारे मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसी है और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसी है. हमारे जो एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और सल्फेट्स, जब भी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम नीचे आते हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, इंक्रीज. ठीक है,